सर आपने वो करवाया था, मतलब FX प्लस माइनस के का पीरियड T रहता है, फिर प्लस जो माइनस। वो तो अच्छा ओके इफ आई रिमेम्बर वी हैव कंप्लीटेड विद द डोमेन रेंज आइडेंटिकल फंक्शंस ये कर लिया ना बच्चों ये तीनों कंटेंट यस सर। एंड देन गाइस वी हैव डन विद द आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कर चुका ना तो ये नहीं लिखते हैं ये लिखते हैं वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू दिस पार्ट वी हैव डन बराबर गाइस इंजेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो यार इतना अच्छा बैच है रिस्पॉन्सिव नहीं रहते हो यार लाइफ में ऑनेस्टी जिस बच्चे को नहीं है ना उसको आईआईटी जाने से भी कुछ बहुत फायदा होता नहीं है समझ लो चीज ठीक है एकदम बिंदास रहा करो तो इंजेक्टिव किसको बोलते हैं बच्चों वन वन फंक्शन वन वन देखो इंजेक्टिव किसको बोलते हैं वो कोई सोच रहा है कि मेरी जगह कोई और ही बोल देगा तो ठीक है बच्चों एक वो आलसी इंसान की कहानी मैं एंड में जब रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा तब सुनाऊंगा तुम लोग को है आराम से सुनना सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं ऑन टू ऑन टू ऐसे जवाब दिया करो सबसे पहले किसको देना है वो इम्पोर्टेंट है आईआईटी में यही तो करना होता है और क्या करना होता है चलो ठीक है सब्जेक्टिव हो गया इंजेक्टिव हो गया वो मतलब ये सब कर चुके हैं अपन लोग ओके अच्छा और फिर पीरियोडिक फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था है ना ओके यस सर। यस सर ओके सो गाइज अभी इसको करते हैं साफ और हम लोग लास्ट कंटेंट पे मुझे याद आ रहा है मैंने तुम लोग को लास्ट कंटेंट ये कुछ दिया था अरे यार लास्ट क्या लिखा हुआ है लास्ट जो लिखा हुआ है सर क्योंकि वो सिलेबस वाई इक्वल सी का यस फंक्शन इज पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। यस यस बच्चों अब आज का पहला पॉइंट ये टुडेज फर्स्ट पॉइंट है अदरवाइज पॉइंट्स आर बीन कवर्ड बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज टी वन पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज टी टू देन पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज टी देन बच्चों टी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू बोलो ये होता है कि नहीं होता है तुम लोगों ने किया है क्या ट्रिग्नोमेट्री में ये बच्चों सर अरे बाबा एक बार बताओ एक फंक्शन वन यूनिट्स के बाद रिपीट हो रहा है एक फंक्शन टू के बाद और एक थ्री के बाद तो ये तीनों फंक्शन एक साथ मिला दें तो सिक्स सिक्स यूनिट्स के बाद रिपीट होंगे कि नहीं होंगे यस सर यस सर बस वही कहानी है एलसीएम ले लो तीनों का ठीक है तो पीरियड ऑफ टी इज एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ टी इज एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू बट टी में और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड बच्चों फंडामेंटल पीरियड का डेफिनेशन पता है ना स्मॉलेस्ट पीरियड बच्चों यस सर। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या था टू पाई 2 पाई 2 पाई देखो अगर आईआईटी जाना है ना पहली बात तो आईआईटी जाना कैसा ड्रीम है तुम लोग का आइडिया नहीं है तुम लोग का कोई सीनियर स्टूडेंट होगा तो उसको पूछ के देखना कि आईआईटी जाने का सीनियर का मतलब यार ये साल वालों से मत पूछना बेचारे अभी तक जा नहीं पाए तुम लोग को टाइम ही नहीं मिला मतलब पेंडेमिक की वजह से जा नहीं पाए लेकिन 2 साल अच्छा ध्रुव रामवे वाला बैच भी नहीं गया वो लोग भी नहीं लेकिन वो हॉस्टल जाके आया है किसी को एक बार पूछ के सिर्फ देखना कि आईआईटी जाने का तुम्हारे ब्रदर ने किसी ने किया है आईआईटी तो उसको पूछना आईआईटी जाने के बाद जो लाइफ है वो लाइफ रेयरर बच्चों को मिलती है समझो एक चीज राइट और तुम लोग वहां जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम लोग को उतना ही एक्सप्लोसिव होना चाहिए एक्सप्रेसिव नहीं बोल रहा हूँ बच्चों एक्सप्रेसिव तो होना ही चाहिए एक्सप्लोसिव होना चाहिए कि जब कोई पढ़ा रहा है और हम लोग कुछ सीख रहे हैं तो ऐसा ब्रेन होना चाहिए उस टाइम में कि जो कोई पूछेगा उसका जवाब जैसे ही पूछेगा वैसे ही सबसे पहले देना है समथिंग लाइक दैट तब मजा आता है पढ़ने में समझ रहे हो वरना क्या टाइम पास कर रहे हो मैं तो कंटिन्यूस पढ़ाता रहूंगा हर साल पढ़ाता हूँ तुम लोग को पढ़ाता रहूंगा
ऐसा बैच जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको म्यूट करके पढ़ा दूंगा, मुझे कहाँ दिक्कत है बताओ, थोड़ा एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव रहो। तो बच्चों ये फंडामेंटल पीरियड नहीं हो सकता, ये एक मतलब ये बड़ा एक डाइसी पॉइंट है कि यार क्या है, एक फंक्शन वन, दूसरे टू, तीसरा थ्री यूनिट्स पे रिवाइज हो रहा है, तो सिक्स यूनिट्स तो मिनिमम ही हो गया ना, इसके बाद ही तो रिवाइज होगा वो। लेकिन बच्चों कोई एग्जाम्पल लेंगे तब बात करेंगे इस बारे में, अभी फिलहाल हम लोग इसमें इसी में आते हैं। बच्चों यहाँ माइनस होगा तब भी ये करेक्ट है। तो बच्चों एलसीएम की कहानी है, तो मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5.7.3, बताओ बच्चों। 105. बच्चों व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, हाँ किसी को बताना नहीं आज एलसीएम पढ़ा, 1/3, 1/7 एंड 1/5, बताओ बच्चों। सर फ्रैक्शंस का एलसीएम का मतलब ही क्या होता है? सर 105. बच्चों ध्यान दो, हाँ एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी, ऐसा होगा ना, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे पता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे। तो बच्चों बताओ एलसीएम न्यूमरेटर एलसीएम कितना हो गया? 1 ही हो गया ना। yes. और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ होगा? वो भी 1 ही हो गया ना। सो द एलसीएम विल बी 1, ऐसे ध्यान रखो। हाँ बच्चों इसका इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ, सर आप रीजन बता सकते हो? बेटा एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको किसी से भी डिवाइड करें एक इंटीजर आना चाहिए, राइट right? और वो यही नंबर निकलेगा, इसी से नंबर निकलेगा ना। नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ऊपर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लोगे तो उनका डिवीजन ऐसा नंबर आएगा जो इन सबको डिवाइड करेगा ना बेटा। हाँ सर समझा, लॉजिकल हो गया ना ये तो, बहुत इजी सा लॉजिक हो गया। हाँ सर समझा। अच्छा अच्छा बेटा एक बात बता, 1.2π.3π इसका एलसीएम बोल। 6π. बच्चों एलसीएम का एक मीनिंग और होता है कि वट एवर यू गेट हियर, इसको जब तुम तीनों नंबर से डिवाइड करो तो दिस शुड बी एन इंटीजर, आई रिपीट इंटीजर। बताओ बच्चों 6π को 3π और 2π से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आएगा? नो सर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड, समझ गए ना, इसका एलसीएम डिफाइंड नहीं होएगा। समझ में आ गई कहानी? यस सर। अच्छा बच्चों इस पे ध्यान दो, सर कोई भी इरेशनल नंबर होएगा तो उसका एलसीएम डिफाइन नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन इसका इसका कर सकते हो क्या बताओ? रूट टू का रूट थ्री का कर सकते हो क्या? रूट सिक्स नहीं सर, रूट सिक्स को रूट थ्री से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? रूट टू आएगा ना, इंटीजर नहीं है ना सर। कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये एलसीएम डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। बच्चों ये वाला एलसीएम ऑफ 2√2 and 3√2, 6√2, बच्चों ये करेक्ट है, सोचो। हाँ सर। हाँ सर 6√2 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये? यस सर। यस सर। चलो यहां तक तो हम लोग सही से पहुंच गए एक्चुअली। इसका एलसीएम 6√2 होने जा रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, एलसीएम वाला पार्ट हम लोग को यहाँ वाला पार्ट अगर हम लोग ध्यान रखें और उसको यहाँ यूटिलाइज करें तो बच्चों सब लोग ध्यान से सुनोगे। हाँ एग्जाम्पल 1, साइन एक्स का पीरियड बोलो बच्चों क्या होएगा? 2π। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड बोलो बच्चों क्या होएगा? 1। तो बच्चों इसका पीरियड कितना होएगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड है, यानी एपीरियोडिक होएगा बच्चों ये फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। एग्जांपल 2, साइन 2πx/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/3x प्लस 7
बच्चों इसका पीरियड बताओ कितना होगा, 2π/2π/3 से यस और नो? यस सर। इसका पीरियड कितना होगा बच्चों, 1/2π/3 से यस और नो? 2π/3 होगा। ओके फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बेटा 2π/2π/3 टी बाई मॉड के होता है ना, टी बाई मॉड के। हाँ सर। तो टी तो हो गया 2π/3 से, अरे एक्स भी तो लिखना पड़ेगा, मतलब साइन 2π। हाँ सर एक्स सर, नहीं सर साइन 2π/3 तो कांस्टेंट है, इसका पीरियड कैसे होगा? नहीं बेटा मैंने एक्स लिख दिया अभी, मैंने गलती की थी एक्चुअली, एक्स लिखना पड़ेगा। ओके हाँ सर समझ गया, है ना? ये समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। यस सर। इसका 2/3, और बच्चों इसका तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, अपन लोगों ने बात किया था ना कॉन्स्टेंट फंक्शन का पीरियड तो कुछ भी हो सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ये आ गया 3, ये आ गया 3/2 और ये हो गया आर। बच्चों आर को तो छोड़ दो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 3। बच्चों समझ में आया नहीं आया पीरियड कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर पार्ट का आप समझाओगे? वापस बोल बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था ना, याद करिए। हाँ ये था ना? हाँ सर। इसका पीरियड कितना होता था बता? 1 होता था ना? हाँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के एक्स का पीरियड कितना होगा बेटा? हाँ सर समझ गया, टी बाई मॉड के होगा ना, बराबर? आया ना समझ में? हाँ सर समझ आ गया। अच्छा अच्छा, इसका आंसर दे दो फटाफट से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, फंडामेंटल पीरियड निकालना है बच्चों इसका, और फोर्थ हो गया मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका भी फंडामेंटल पीरियड निकालना है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, फंडामेंटल पीरियड जो है ना एलसीएम की हेल्प से आए जरूरी नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, टी मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। अच्छा जरा थर्ड और फोर्थ करके बताओ जरा, हर एक के लिए 2 मिनट का टाइम करो और मेहनत करो, दिल से सॉल्व करो। चलो शुरू हो जाओ। सर मैंने चैट पे भेजा है आंसर। नहीं नहीं रहने दे, चैट पे मत भेज, जिन लोगों ने कर लिया उनको एंड्रेस करना है बस, जिन लोगों ने कर लिया उनको एंड्रेस करना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर जब कर लो ना बच्चों तभी एंड्रेस करो, मुझे सिखाना तो है ये क्वेश्चन लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। Five students have done both.
14 students have done. That's nice. अच्छा आज तुम लोग को जो है ना, देखो सब लोग एक बात ध्यान रखो, पिछला वाला लेक्चर, एक मिनट, ये क्या हुआ? अच्छा पिछला वाला जो लेक्चर था ना, एक तो उसका थोड़ा वो तो नोट्स तुम देख लेना, ठीक है, और एक आज वाला लेक्चर ठीक से समझ लो, सीख लो बच्चों, है ना, दिक्कत हो तो बता देना। लेकिन बच्चों आज एंड में जो है ना, सारे बच्चों को, जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में उनको प्रेजेंट रहना है, और बच्चों एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर तुम लोग सिंसियरली पढ़ोगे तो आईआईटी गारंटी से जाओगे, और ऐसे उलूल जुलूल वीडियो रिकॉर्डिंग में रहोगे तो तुम लोग को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये लिख लो। इतने साल मैंने भाड़नी जो की है, मेरे को पता है कौन बच्चा आईआईटी किस वक्त में जाने से रुक जाता है। आज एंड में मतलब अपना लेक्चर डेढ़ घंटे का होता है, तो 1 hour 15 minutes का लेक्चर रखेंगे बच्चों, 15 minutes में 15 questions करने हैं, कितने 15 minutes में कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 उसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट। व्हाट डू वी कॉल इट? आई विल राइट इट बच्चों। वो टेस्ट ऐसा होता है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट, जिन लोग ने थियरी ठीक से समझी होती है ना, उनको क्वेश्चन बनते हैं। 15 questions करने हैं, 15 questions करने हैं, और उस 15 में से जिसको 7 questions हो गए ना बच्चों, मतलब +3 -1 अगर मार्किंग स्कीम है, तो बच्चों कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 45 और 21 मार्क्स जिसको आ गए ना, दैट इम्प्लाइज कि उसको लेक्चर प्रॉपरली समझ में आ चुका है। आई रिपीट, प्रॉपरली समझ में आ चुका है, राइट? इसलिए बच्चों बहुत फास्ट रहना पड़ता है उसमें, और वहीं से तुम लोग को जेई मेंस एडवांस की कहानी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट डे व्हेन आई एम कंडक्टिंग दिस टेस्ट इन योर बैच, राइट? अब ये बीच बीच में कभी कभी ऐसा होते रहेगा। कमिंग बैक टू ओरिजिनल पार्ट, यस दिस आई विल डिलीट, इट्स नॉट नीडेड। बच्चों आई विल गो टू द थर्ड प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। बच्चों एक चीज बताओ, फंडामेंटल पीरियड तो अपन सिर्फ ऑर्डिनरी फंक्शंस का या फिर ऐसे फंक्शंस का ही निकाल पाते हैं ना, जिन फंक्शंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो, जैसे साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड पता है, करवाया था ना बच्चों? yes. तो बताओ इसको 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 कैसे चेंज करें? इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 - cos 2x/2, सही है? सुनो, अब देखो चीटिंग करके मार्क्स ले आओगे तो कोई मतलब नहीं है ना, आईआईटी जाओगे कि नहीं जाओगे खुद को दिल से पता लगता है, तो दिल से पढ़ लो ना एक बार, समझ लो, समझ लोगे तो एंड में पता लग जाएगा कि इसमें जाने के लायक हूं। 15 मिनट कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, इसलिए रिस्पॉन्सिव रहो, रिस्पॉन्सिव रहोगे तो मार्क्स आएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सही है? सुनो, यस यस। अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2, सही है? सुनो, यस। अच्छा ठीक है बच्चों, इसको मैंने लिखा 1/2 - 1/2 cos 2x, इसमें से 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो मुझे बचा 1 + 2 cos 2x + cos²2x। बच्चों और सॉल्व किया तो 1/2 ये और 1/4 ये, तो बन गया 3/4 - 1/2 cos 2x -1/2 + 1/2 cos 2x। बच्चों इसको और इसको मिला के और +1/4 cos²2x,
ये दोनों कट गए तो बच गया 3/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। बच्चों वो तुमसे क्या पूछ रहा था, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड हमेशा स्टैंडर्ड फंक्शंस का ही निकाल सकते हैं, बाकी बच्चों कोई चैलेंज नहीं कर सकता फंडामेंटल पीरियड करेक्ट है कि नहीं है। आई रिपीट बच्चों एक चीज बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल पीरियड तो करवाया है ना क्लास में, कितना होता है? पाई होता है, पाई पाई। तो बच्चों कॉस स्क्वायर 2x का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा बता सकते हो? पाई बाय टू। और इसका तो फालतू है, ये तो 3/4 यूनिट से ऊपर नीचे करो फर्क पड़ेगा? नो सर। 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, पीरियड चेंज होगा? नो सर। नहीं चेंज होगा। तो इसका पीरियड कितना, फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया बच्चों? पाई बाय टू। देखो एलसीएम लेके निकालोगे ना तो इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, इसका एलसीएम कितना आया बच्चों? पाई। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर पाई भी निकला होगा, बट दैट इज नॉट करेक्ट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना था फंडामेंटल पीरियड? पाई। तो ये याद नहीं रहेंगे ना तो पेपर में मुश्किल आएंगी। मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना था बच्चों? पाई। तो दोनों का एलसीएम कितना निकल आया? पाई। बट पाई फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अभी अभी तो प्रूव किया हम लोगों ने, बराबर है ना बच्चों? यस सर। तो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए क्या करें बच्चों? कैन आई राइट मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स होल स्क्वायर? कैन आई राइट इट बच्चों? यस सर। अब ये अंदर क्या हो जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x नहीं बेटा, मॉड साइन 2x। बोलो बच्चों सही है? हाँ सर। और जो एक चीज बताओ, मॉड साइन 2x का फंडामेंटल पीरियड कितना है? पाई बाय टू। मॉड साइन 2x में अगर 1 ऐड कर दो तो पीरियड में चेंज होएगा क्या? नहीं सर। और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो पीरियड में चेंज होएगा क्या? नो सर। फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? पाई बाय टू। दैट्स इट। बच्चों देखो फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए तुम लोग को आईआईटी में जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, फिर ऑप्शन देता पाई, पाई बाय टू, पाई बाय फोर, टू पाई। तो टू पाई तो इसका पीरियड होएगा ही, टू पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट करेगा ही ना बच्चों, गलत थोड़ी है ये, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं है ना? यस सर। और बच्चों पाई भी फंडामेंटल पीरियड हो सकता है लेकिन पता नहीं है कि नहीं है। तो बच्चों चेक कर लो पाई बाय टू पे। पाई बाय टू पे कैसे चेक करोगे? एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है? वापस एफ एक्स आ जाता है बच्चों, लिख के देख लो, ये मॉड कॉस एक्स और ये मॉड साइन एक्स बन जाता है, यानी फंडामेंटल पीरियड पाई बाई टू हो सकता है बच्चों। और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है प्रॉब्लम तब, वरना करने का तरीका ये। बच्चों एक बात बताओ, पाई बाई फोर भी हो सकता है ना बच्चों? अरे बाबा पाई बाई टू तो आंसर आ चुका, लेकिन पाई बाई फोर पे अगर चेक कर रहा हूँ तो चेक करके देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, से यस और नो? यस सर। हाँ, इसलिए बच्चों स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक कर लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो ऊपर वाले सारे पीरियड होंगे। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। एक बात का दिमाग में फिट कर लो, फंडामेंटल पीरियड मीन्स स्मॉलेस्ट पीरियड। तो जब चार ऑप्शन होंगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट ही होता है, स्मॉलेस्ट से चेक करो, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके ऊपर वाला पाई बाई टू चेक करो, अगर वो सक्सेस हो गया तो बच्चों पाई बाई टू पीरियड होगा तो पाई भी पीरियड होगा, पाई पीरियड होगा तो टू पाई भी पीरियड होगा, ऐसे ऐसे चेक करना चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सही है बच्चों। अच्छा चलो एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान देना सब लोग, 3 sin x माइनस 4 sin 3x। बच्चों 3 sin x माइनस 4 sin 3x इसका पीरियड कितना बच्चों? 2 पाई।
इसका भी 2 पाई से यस और नो यस सर यस सर इसका एलसीएम कितना आया बच्चों 2 पाई लेकिन 2 पाई फंडामेंटल पीरियड होगा गारंटी है क्या नो सर तो 5/3 होगा हां सबको पता है इसका फार्मूला ये फार्मूला किसमें कौन सा फार्मूला बनता है sin 3x तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा बच्चों 2π/3 बस ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना जल्दबाजी में आंसर मत लिख देना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना उसको आराम आराम से सॉल्व करो जल्दबाजी में सॉल्व मत कर दो फंडामेंटल पीरियड हमेशा ऑप्शन देख करके चेक करना चाहिए हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों सर हाँ बोल ना सर सेकंड क्वेश्चन में आपने मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स को आरएचएस की टर्म में कैसे लिख दिया क्योंकि वो तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स होगा ना अरे बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है से यस और नो यस सर बेटा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो एक्स ही आएगा ना ये तो पॉजिटिव है ना मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स तो लिख सकते हैं ना यस सर समझा समझा ना यस सर हाँ बच्चों ये कॉपी करना है क्या यस सर चलो फटाफट से कॉपी करो बस स्क्रीनशॉट ले लो आज लास्ट में आधा घंटा बचता है ना यार तुम लोग उसमें कॉपी किया करो ना बच्चों आईआईटी में अच्छा रैंक देने के लिए कुछ तो लॉस तो फॉलो किया करो यार तो कॉपी करके हो गए भाई मान लो किसी का रह जाए तो उसको फिर आधा घंटा मैं देता हूँ ना तुम लोग को बाबा उसमें ऐसे खड़े होकर के और लंच लेने के लिए भागने की जगह में ये मान के चलो 2 बजे तक लेक्चर है और हम लोग को नोट्स बनाने हैं तो करेक्ट जाएगा ना बच्चों वैसे तुम जो चाहो वो करो कॉपी करना है तो कर लो मुझे कोई इश्यू नहीं है सर आप किसी को ग्रुप में देखते हो कौन ले रहा है वैसे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आज ये स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है सर मैं ले लू हाँ बेटा लेके डाल दे यार डन कर दे प्लीज एक बार एक बार प्रीवियस पेज दिखाओगे सर बोल बेटा सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कब एलसीएम यूज करना है ये एलसीएम तो हमेशा यूज करना है एलसीएम यूज करके हम लोग पीरियड निकालते हैं राइट लेकिन फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए हम लोग उससे लोअर वैल्यूज भी एक मिनट मैं बताता हूँ तुझे रुक एक बार ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या अरे बाबा स्क्रीनशॉट हो गया क्या हाँ सर भेज दिया ग्रुप पे कोई भी चेक करके बता सकता है ना आया कि नहीं आया अच्छा बेटा एक चीज बता किसी फंक्शन का पीरियड अगर पाई है तो वो 2π इंटरवल के बाद भी रिपीट करेगा यस सर 3π के बाद भी करेगा यस सर करेगा ना अरे भाई एक वेव पाई इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है तो 2π के बाद भी करेगी ये 2 यहां से यहां ये 2π पे बाद भी रिपीट करेगी ना हमेशा ये यस सर तो 3π के बाद भी करेगी अब ये तो रिपीटेशन तो इस लेंथ को 3π तो 3π के बाद भी सेम ही ग्राफ बनेगा ना बेटा यस सर बराबर है तो एक बार बता किसी फंक्शन का पीरियड अगर t है तो उसका पीरियड 2t भी होगा 3t भी होगा nt भी होगा बराबर है यस सर तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बता फंडामेंटल पीरियड होगा t डिवाइडेड बाय n ये होगा ना सर एन क्या है नेचुरल नंबर हो गया ना यस सर मतलब अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो उसका पीरियड टी बाई टू हो सकता है कि नहीं हो सकता है चांस लेना पड़ेगा ना पूछना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा ना हाँ सर पॉसिबल है क्योंकि टी बाई टू अगर हुआ तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं टी भी पीरियड हो जाता है ना बराबर है ना हाँ सर
किसी भी फंक्शन का पीरियड अगर टी आता है तो टी बाई टू पे जरूर चेक करो, फिर टी बाई टू अगर आता है तो टी बाई फोर पे जरूर चेक करो, ऐसा बराबर। यस सर। और बच्चों इसको रटो मत, मेरा मानना यह है कि ऑब्जेक्टिव में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये तो ध्यान रखो, बाकी इसके अलावा इन सबको रटो मत, इन सबको। मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव में जो प्रॉब्लम आता है तो एलसीएम से क्या करो बच्चों, पीरियड निकाल लो, आई रिपीट, एलसीएम से पीरियड निकाल लो, और फिर चार ऑप्शन में, जैसे मानो पीरियड तुम्हारा आया पाई, और चारों ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है पाई बाई टू, टू पाई, थ्री पाई, तो बच्चों अगर पीरियड पाई तुम्हारा एलसीएम से आता है तो टू पाई और थ्री पाई तो वैसे ही आंसर हो जाएंगे। सही है सर? नो, सिर्फ पाई बाई टू चेक करना है, तो बच्चों एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स चेक कर लो कि एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स एफ एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है सर? नो, अगर नहीं आ रहा है तो ये तीनों आंसर हो गए, अगर आ रहा है तो ये चारों आंसर हो जाएंगे, बराबर है? यस सर। ओके चलो ध्यान दो, ये चीजें तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगे, आज एसटीपी दोगे उस टाइम। अच्छा बच्चो इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, देखो जवाब देना, पीडी का मतलब बच्चों पीरियोडिक और एनपीडी का मतलब नॉन पीरियोडिक। बच्चों पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियो, पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, दो पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करें तो बच्चों एक पीरियोडिक फंक्शन आएगा कि नॉन पीरियोडिक फंक्शन आएगा? पीरियोडिक। पीरियोडिक ऑब्वियसली, दो पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करोगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा, राइट? बच्चों इसका काउंटर तुम लोगों ने पिछले पेज पे लिखा है, पिछले पेज पे लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, सॉरी मैं लिख देता हूं, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक है बच्चों, आंसर इसका मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा बच्चों? एलसीएम डिफाइन हो जरूरी नहीं है ना, ये रहा एग्जांपल, इसका टू पाई और इसका वन, एलसीएम डिफाइन नहीं, नॉन पीरियोडिक हो गया ना बच्चों, पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक हो गया, पीरियोडिक तो हो ही सकता है, मतलब कोई और एग्जांपल लेंगे तो पीरियोडिक तो बन ही जाएगा, लेकिन नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। सही है सर? नो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू बच्चों इसके बारे में क्या बोलते हो? पीरियोडिक नहीं, नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, दो नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? पीरियोडिक आएगा, नॉन पीरियोडिक आएगा, या कुछ नहीं कह सकते? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक आएगा ऑब्वियसली, कोई भी बोलेगा सर क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया आपका, नॉन पीरियोडिक रहने ही वाला है ये, है ना? बोलो बच्चों क्या बोलते हो? आंसर इज मे और मे नॉट बी बच्चों, आई रिपीट, आंसर इज मे और मे नॉट बी, मे और may not be। बच्चों x plus sin x, नहीं ये तो अलग एग्जाम्पल ले लिया, नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक ले लिया, कोई भी दो नॉन पीरियोडिक फंक्शन ले लोगे बच्चों, x plus box x, ये नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक, आंसर नॉन पीरियोडिक, बराबर है ना बच्चों? बच्चों yes, 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 sir। लेकिन बच्चों ये एग्जाम्पल हूं तो x minus box x, ये नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक, बताओ इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। ये पीरियोडिक बन गया कि नहीं बन गया? यस। यानी नॉन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है बच्चों, से यस और नो? ये आंसर, ये आंसर आएगा ना, ये किधर बुक्स में लिखा हुआ नहीं है बच्चों, ये अपन लोग डिस्कस करते हैं, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा बच्चों। लास्ट वाला बताओ, एक्स नॉन पीरियोडिक है, सही या सर? नो। यस। माइनस बॉक्स एक्स नॉन पीरियोडिक है, सही या सर? नो। यस। तो बता दोनों का डिफरेंस क्या, दोनों का एडिशन क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना? यस सर। एक्स माइनस बॉक्स एक्स तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ना बेटा? यस सर। व्हिच इज पीरियोडिक? यस सर। बराबर है? यस सर। हाँ। स्टेटमेंट थ्री,
स्टेटमेंट थ्री नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, बोलो बच्चों क्या होगा? नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। हाँ इमोशनली आंसर दिया ना, मे और मे नॉट बी। बच्चों हर बुक में गलत लिखा हुआ है, हर बुक में ये स्टेटमेंट हर बुक में गलत लिखा हुआ है, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। बच्चों एक बात बताओ, ये फंक्शन साइन एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट एक्स, ये ले लिया एफ एक्स, बताओ पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ये रहा ना यहाँ लिखा हुआ है। और बच्चों माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताओ बच्चों ये जी एक्स ले लिया, ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। अब बताओ इन दोनों को ऐड कर दूं तो पीरियोडिक मिलता है, साइन एक्स बचा ना पीरियोडिक हो गया ना, मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। बच्चों समझ में आई कहानी क्या है? बच्चों ये जो चीजें ना, ये चीजें थोड़ी दिमाग में रखनी चाहिए। ओके अच्छा अब फटाफट से इसको कॉपी कर लो। कॉपी क्या कर लो, मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट लेके डालो आगे, और दो मिनट का टाइम देता हूं, आराम से कॉपी करना चाहो तो कॉपी करके देख सकते हो या फिर समझ सकते हो, समझने के लिए दो मिनट का टाइम ले लो बच्चों, करो। अच्छा चना क्या आगे एंसर? चलो बच्चों अभी एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में जो जा रहे हैं ना बच्चों, ये टाइप वन खत्म हुआ है, मैं इधर डाल देता हूं टाइप वन ओवर, टाइप वन ओवर मतलब एलसीएम लेने वाला टाइप बच्चों, है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक बात बताओ, पीरियड व्हेन फंक्शनल इक्वेशन गिवन, बच्चों ध्यान दो, अगर मानो कहीं तीन ही क्वेश्चन करेंगे इसके, मतलब एक तो बिल्कुल फालतू, एक थोड़ा दम लगाने वाला, और तीसरा तुम लोग को दम लगाना है उसमें। एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एफ एक्स, बच्चों बताओ पीरियड कितना हुआ? टू। और बच्चों इसकी जगह में एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो तब पीरियड कितना हुआ? टू भी हो सकता है, फोर ही होगा ना बेटा? हाँ सर। अरे इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दे, एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दे ना। हाँ सर। तो लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स बन गया, राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स प्लस फोर बन गया, डायरेक्ट भी बोल सकते थे अपन, बराबर है ना बेटा? हाँ सर। हाँ तो इसका पीरियड फोर हो गया। फर्स्ट एग्जांपल तो एकदम फालतू एग्जांपल था, सेकंड भी कोई बहुत मस्त नहीं है, थर्ड वाला मस्त है। देखो बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक चीज बताओ, अपना पर्पस क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा आ जाए तो पीरियड टी हो जाएगा, से या सुनो? यस यस। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे बच्चों?
बच्चों ऐसा हो रहा है क्या? नो सर नहीं हो रहा। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऐसा ही तो क्वेश्चन है ये? यस सर। राइट। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस फोर से। तो बताओ, अच्छा एक्स को एक्स प्लस फोर से रिप्लेस करने का मतलब बच्चों एक्स एक्सिस पर ग्राफ को फोर यूनिट से लेफ्ट राइट कर रहे हैं, से यस और नो? यस सर। यस सर। तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ को रिप्लेस करने से तो पीरियड तो चेंज होता नहीं है ना? नो सर। यस। अगर बस साइन एक्स के ग्राफ को 10 यूनिट्स राइट में बना दो चाहे लेफ्ट में बना दो, पीरियड तो सेम ही रहेगा ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों पता है फायदा क्या हुआ, इसको अपन लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी, तो क्या बच जाएगा बताओ? सही है, सुनो बच्चों। यस यस सर। यस सर। आ गया क्या पीरियड? बोलो बच्चों आया कि नहीं आया? यस सर। बच्चों इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, मतलब स्टार मार्क करके ऐसे लिख सकते हो उस पॉइंट को, चाहो तो, जरूरी नहीं है, चाहो तो, कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए ना बच्चों कहीं, तो पीरियड इज इक्वल टू टू टी होता है। देखो यहाँ यही तो हो रहा है, देखो अगर ये प्लस होता तो पीरियड फोर होता, माइनस है तो पीरियड कितना हो गया, एट हो गया ना। प्रोसेस ये रहेगा, इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में गेम क्या किया पता है तुम लोग को? ये एक्स के साथ खेल रहे हो तुम लोग, ये एक्स के साथ खेल रहे हो, और खेलने का तरीका क्या है कि कुछ कैंसिलेशन होके और ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाए, यही है ना बच्चों? यस सर। अब ये प्लेइंग तुम्हें जो ना कभी कभी टाइम लेती है, कभी जल्दी से हो जाती है। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। बच्चों ऐसे चुपचाप से बैठ नहीं जाना, सब लोग हिम्मत करके ट्राई करना, इज इक्वल टू रूट थ्री एफ एक्स, फाइंड पीरियड। बच्चों ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है, क्या करोगे देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान देना, इसका जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो ये है, स्टेप वन एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस करना, स्टेप टू एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस करना, और बच्चों नाउ थिंक, अच्छा सोचो, 5 मिनट का टाइम है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया तो फिर इस जैसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, शुरू हो जाओ।
जो किसी को आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। ओ 14 पार्टिसिपेंट, नहीं ये तो पुराने वाले हैं सब। चलो अब जिनको आ गया हैंड रेज करना। वन स्टूडेंट हैव डन इट, टू, अरे वेरी गुड, तीन बच्चों को हुआ। चलो अनाउंस करो आंसर कितना आ रहा है बेटा। सर एक मिनट और करना। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो रुको, लेट देम ट्राई। डन सर। आंसर कितना आ रहा है बेटा? सर फोर। नो टू। नो आंसर इज 12। तू तो आ ही नहीं सकता। सर दो मिनट रुक जाते, कुछ गड़बड़ की है, चेक कर स्टेप। बच्चों नेक्स्ट वीक से सारे लेक्चर्स बोर्ड पे होंगे, ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं होंगे। तो तुम में से एक आध दो चार लोग जो एब्सेंट है ना उनको खबर कर दो। एब्सेंट स्टूडेंट्स को अब मैं निकालने वाला हूँ अपने ग्रुप से। डिजिटल बोर्ड पे जनरली मैं ये ओपन नहीं रखता हूँ, अटेंडेंस चार्ट वहाँ पे ओपन रहता है। तो सारे लेक्चर अब नेक्स्ट वीक से सारे बोर्ड पे रहने वाले हैं, और एकदम परफॉर्मेंस बेस्ड आ जाओ, अभी अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करो। बच्चों इसमें गड़बड़ क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, एक चीज जरा ध्यान दो। बच्चों ध्यान दो, एक्स को तुमने एक्स प्लस वन से रिप्लेस किया, बताओ क्या आया? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना आया? रूट थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन, वन 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 सॉरी, है ना। फिर एक्स माइनस वन से किया एफ ऑफ एक्स माइनस टू, बराबर बच्चों? प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन,
अब बच्चों इन दोनों को ऐड किया, ऐड किया तो ये तो आ गया 2fx, बराबर है बच्चों, ये आ गया f ऑफ x प्लस 2। ये आ गया f ऑफ x माइनस 2, यहाँ वाला ये वाला, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स। बोलो बच्चों ब्रैकेट जो आ रहा है वो मस्त आ रहा है, देखो पर वो ऊपर रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखो आनी चाहिए बड़ी चीज लेकिन मैंने छोटा सा ब्रैकेट छोड़ दिया इधर, क्यों? f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 क्या है बच्चों, देखो यहाँ से रूट थ्री है। यस सर, ये या बच्चों ये कितना बन गया, 3fx बन गया ना बच्चों। यस सर, यस सर, है ना। और अभी ये इस 2fx को उधर डाल दो उठा करके, तो क्या बन गया f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, f of x, f of x, ये नया क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो अब तुम्हें पता है क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करोगे बताओ, x minus, x plus 4, x plus 2 से या x minus 2 से, दोनों में से किसी से भी कर दो, x को x plus 2 से करो बच्चों, ये कितना बन गया f of x plus 4 से, yes or no, yes sir, plus fx is equal to f of x plus 2। बच्चों अब ऐड करो जरा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, बताओ ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ बच्चों, देखो ये कैंसिल हो गया, f of x plus 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा बताओ, f of x plus 4 is equal to f of x minus 2 sir, with negative sign, with negative sign, बताओ बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सर अभी x plus 2 से रिप्लेस कर देंगे, जरूरत ही नहीं है ना इसको यूज करेंगे ना, हाँ सर, डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, और नेगेटिव साइन होने की वजह से पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों, 12। अरे बाबा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ दिल से पढ़ने की जरूरत है, समझो एक चीज, डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आईआईटी में, सिर्फ सब्जेक्ट समझने की जरूरत होती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, मेरे दिमाग में वो फिट हुआ कि नहीं हुआ, अगर तुम्हें कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब तुम आईआईटी जाने वाले हो, और अगर तुम आलसी की तरह बैठ के पढ़ते रहोगे टाइम पास करोगे तब दिमाग में हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं आईआईटी होएगा कि नहीं होएगा, समझ रहे हो, एकदम कंटेंट पकड़ में आना चाहिए कि ये हो क्या, चल क्या रहा है यार, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर मैं करूंगा तो मुझे चमकेगा कि नहीं चमकेगा। अब बच्चों यहां से तुम्हें ये पीरियड टूटी होएगा 12 होएगा, वो यहां से चमकना चाहिए, अगर ये नहीं चमक रहा है तब गड़बड़ है, यहां ये नहीं चमका था चलेगा, यहां से ये टी 8 कैसे आया, ये नहीं चमका तो चलेगा क्योंकि ये सिखाया नहीं है पहले, अब सिखा दिया ना, यहां सीखने के बाद यहां नहीं चमक रहा है तो गड़बड़ है, उतना ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, समझ में आया नहीं आया, यस सर, बच्चों एक कंटेंट और करना है, टाइप 3 और करना है, अब इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सर इसमें एक डाउट है, हाँ बोलना सर, x को x माइनस 2 से किया तो फिर कुछ दूसरा आंसर आता, नहीं आता ले x को x माइनस 2 से कर, बोल क्या आएगा, यहीं पे कर रहा है ना, यहीं पे, यस सर, एक मिनट रुक देख, यहाँ पे कर रहा है ना, यस सर, चल करते हैं, बोल क्या लिखूं, कोई चेंज सर, f ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स माइनस f ऑफ x माइनस 2, x को x माइनस 2 से करेगा तो ये कितना बन जाएगा, fx बनेगा ना सर, मैं फाइनल रिजल्ट, हाँ फाइनल रिजल्ट बोल कितना आ रहा है, चल f ऑफ x माइनस 4 f ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स माइनस f ऑफ x माइनस 2, ये आ रहा है कुछ yes. भी तू बोलेगा और मैं मान लूंगा, ऐसा हो सकता है, ये नहीं आ रहा है माइनस एफ एफ एक्स प्लस टू आता है, हाँ ये आ रहा है, ये तूने कैलकुलेशन गड़बड़ की है बेटा, ध्यान दे दे एक बार, ये आ रहा है, ये अब बता इसका पीरियड कितना, हाँ सर समझा, मेरा मिस्टेक हो गया बस, कोई आज इशू नहीं है, केयरलेस मिस्टेक चलता है, वो सब बाद में दूर हो जाता है, कंसेप्शनल मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइप 3 आई एम टॉकिंग अबाउट, टाइप 3
पीरियड थ्रू ग्राफ। बच्चों बिना ग्राफ के निकालना मुश्किल हो जाता है। दो ही एग्जांपल लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन रेस टू पावर बॉक्स एक्स। बच्चों इसका पीरियड निकालने के लिए एक काम करो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, बताओ बच्चों एफ एक्स क्या आएगा? वन आएगा ना, जीरो कॉमा वन तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन रेस टू पावर जीरो वन हो गया। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज वन कॉमा टू, लो बच्चों माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टू कॉमा ओपन थ्री, लो बच्चों वन। बच्चों ग्राफ समझ में आ गया क्या इसका? यस सर। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा पहले बनेगा वन, ये यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे बना वन, फिर माइनस वन, फिर वन। बच्चों पीरियड इज इक्वल टू कितना आ गया? वन टू गधेड़ा। हाँ सर सर टू टू कुछ सर वहां पे आपने मिस्टेक कर, थर्ड वाले में प्लस वन, प्लस वन आता। ओह सॉरी 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 इट्स माय बैड सॉरी। हाँ ठीक है सॉरी। हाँ बच्चों इसका पीरियड टू। बच्चों कभी कभी पता है फंक्शन ऐसा लगता है पीरियडिक होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ग्राफ बना के पीरियडिक निकल जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना सब लोग, एफ एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई टू बॉक्स एक्स। बच्चों जरा निकाल के देखो, सेम मेथड से ही निकलेगा, निकाल के देखो जरा, दो मिनट का टाइम लो बच्चों। 115 120 तक भी जा सकते हैं राइट, 15 मिनट्स का एसटीपी रहेगा। करो ट्राई करो, सर टू आ रहा है लेकिन मतलब टेन पाई बाय टू को प्लॉट नहीं कर सकते ना? हाँ नहीं प्लॉट नहीं कर सकते, पता क्या होगा, पहले जीरो बनेगा फिर ब्लैंक आ जाएगा, फिर जीरो बनेगा फिर ब्लैंक आ जाएगा। यस सर। हाँ सर वही हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना? यस सर। हाँ देखो बच्चों एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन में वाई इज इक्वल टू जीरो, सही है सर? नो Yes, sir. Yes, sir. X belongs to 1, 2 में Y not defined. अरे बाबा 10 pi by 2 बन जाएगा ना? X belongs to 2, 3 में Y is equal to 0. Sir. 2, 3 में हाँ सर, Y में Y is equal. Right? And so on. Period is equal to कितना आ गया बच्चों? सब बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। बच्चों देखो पीरियडिसिटी में टाइप थ्री पूरा हो गया, वन लास्ट टाइप इज लेफ्ट एंड दैट टू वेरी इजी। बच्चों ध्यान दो सब लोग, पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ के अंदर कोई एक और फंक्शन लिख दिया उसने, इज पीरियड ऑफ जी एक्स, बट दिस मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। बच्चों एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स में किसका पीरियड देखोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड देखोगे कि साइन एक्स का पीरियड देखोगे? साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड। आंसर बोलो कितना आएगा? 2 पाई। बराबर है? यस सर। अच्छा
बच्चों साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में किसका पीरियड देखोगे, साइन एक्स का कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पीरियड कितना आएगा? 1। समझ में आ गया क्या कहानी क्या है? यस सर। अच्छा एक मिनट होल्ड रखना बच्चों। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड इज 1। अब बच्चों ये दो तीन क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसका पीरियड निकालो। मैं 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए एक्चुअली बीच में। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स, एंड फिफ्थ है कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स। बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, इन तीनों क्वेश्चन को मैं होमवर्क में डाल सकता हूं, और तुम्हें 15 मिनट नहीं मैं टाइम दे रहा हूं, तुम देखो कि तुम अपने टाइम पीरियड में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, जस्ट अ मिनट, गिव मी 10 सेकेंड्स। आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ ऑन योर ग्रुप जो आज के लेक्चर को एफिलिएट करता है पूरी तरह से। एक मिनट हाँ, सर टेस्ट को हम नोट्स में लिखे कि अलग से? नहीं नहीं नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, रैंडमली सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है, आज की थियरी पे एफिलिएटेड है कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। 15 मिनट्स नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा चलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने चाहिए, मिनिमम 15 मिनट्स। बच्चों ये मैंने तुम लोग को भेजा, दिस इज सर 4 पेज से खाली स्क्रीनशॉट लेते हैं अपलोड करने वाले। एक मिनट ना मैं बताता हूँ तुझे, बताता हूँ मैं। लिया